हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज इंग्लिश का आपको सेंटेंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ये क्या होता है, वाक्य क्या होते हैं और सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिक्ट क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लासेस। मैं अमित सिंह। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, मतलब एक पूरा वाक्य का अर्थ निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक पूर्ण अर्थ निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। जैसे बटर्स फ्लाई इन द एयर, बटर्स जो चिड़ियाँ हैं वो हवा में उड़ रही है। रीड दिस लेसन केयरफुली, मतलब इस लेसन को केयरफुली से पढ़ो, एक वाक्य निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो सेंटेंस होते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट होता है प्रेडिक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्यों का वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु को इंगित करे जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और विधेयक क्या कहलाता है, वह अंश या भाग जो उद्देश्य के सामने में जानकारी देता है, उसे क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। सब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, जैसे बॉय, सन, ही, ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिक्ट क्या हो गया, उसके बाद का, जैसे द बॉय इज़ प्लेइंग नाउ, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो जो बच्चे हो गए वो क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो बचा प्रेडिक्ट हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्यों में निहित भाव या कर्म को संपादित करने वाला। सब्जेक्ट की कितने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाएगा, आई और वी आ जाएगा, वन हु स्पीक्स, ये क्या हो जाएगा, जो बोलता है। सेकेंड पर्सन क्या आ जाएगा, यू, केवल यू ही आएगा। और थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है, जो बच्चा खुचा है, ही से, इट, बॉय, सन, ये सब क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन में आ जाएगा। ये हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब इसमें बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आ जाएगा, प्लूरल में क्या क्या। सिंगुलर वो क्यों, वो होता है जो केवल सिंगल की बात करते हैं हम, केवल एक ही व्यक्ति के लिए। और प्लूरल में क्या हो जाता है, हम बहुत सारे लोगों के लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जैसे हमने देखा था आई और वी, तो आई क्या आ गया, सिंगुलर में आ गया, वी क्या आ गया, प्लूरल में आ गया। सेकंड पर्सन यू किस में आ जाएगा, केवल सिंगुलर में ही आएगा। और थर्ड पर्सन जो ही, सी, इट, ये आ जाएगा सिंगुलर में। और दे, जो डॉग्स हैं, बहुत सारे डॉग्स, बहुत सारे काउस हैं, वो किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में आ जाएगा। वर्ब क्या होता है, क्रिया। तो जो वर्ब होता है वाक्यों में, मतलब वर्ब क्या करता है, जो कार्य करता है, उसी को हम क्रिया बोलते हैं, उसी को वर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं इसके, एक तो मेन वर्ब होता है, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो होता है ये मुख्य होते हैं, और जो ऑक्सिलरी होते हैं वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे मेन वर्ब में क्या आ जाएगा, जैसे हमको कहीं जाना है, तो वो मेन वर्ब में आ जाएगा। और ऑक्सिलरी में क्या आ जाएगा, मतलब उसकी सहायता कर रहा, तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब बोले। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बच्चों जिस पर कर्ता के कार्य का प्रभाव पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ही सेल्स बाइसिकल, तो इसमें क्या हो, जो बाइसिकल्स हो गए, साइकिल हो गए, वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। अब फिर देखते हैं हम लोग
काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? सेंटेंस जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। एक तो ऑक्सिलरी हो गया, तो इसके 2 टाइप्स हो जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जो मैं जा रहा हूँ खाना खाने, मैं घूमने जा रहा हूँ, ये सब क्या हो जाएंगे? अफर्मेटिव। और निगेटिव मतलब नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ खाना खाने, मैं साइकिल नहीं चला रहा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव हो गया फर्स्ट हो गया अफर्मेटिव, सेकेंड हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब जिसे प्रश्न बने, क्या अगर किसी के भी सामने लगता है तो उसे क्या बोल देते हैं, उसे क्या बन जाता है, प्रश्न बन जाता है, उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंप्रेटिव क्या इसको बोलते हैं? आज्ञा देना या प्रार्थना सूचक, ये क्या इंप्रेटिव हो गया। लेट्स स्टार्ट एडवांस, डोंट गो देयर, उधर मत जाओ, मेरी मदद करो, ये सब क्या हो गया? आज्ञा या प्रार्थना। मे आई हेल्प यू, ये सब आज्ञा या प्रार्थना में आ जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य, प्रशंसा, दया और दुख आदि का गहरा बोध हो, जैसे भावनात्मक होना चाहिए, तो उसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। जैसे व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ लक, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो, व्हाट अ फूल यू आर, हाउ क्लेवर माई ब्रदर इज़। और ये लास्ट क्या आ जाता है हमारा दोस्तों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इस प्रकार के वाक्यों में किसी इच्छा का बोध होता है, जैसे मेरी इच्छा है, मे आई गॉड ब्लेस यू, मे आई हेल्प यू, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये क्या होता है? एक इच्छा का बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने देखा सेंटेंस के बारे में और सब्जेक्ट, प्रेडिक्ट, ये सब चीज़ के बारे में हमने आज देखा। कल हम कुछ और देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए और कुछ कमेंट्स करिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो मैं उसको बताऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।